सोम प्रकाश जी फगवारा से एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं और हमें बताएंगे। सोम प्रकाश जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इस तरह की में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जो बजट इस वक्त पेश किया गया है, कोई भी वर्ग इससे खुश नहीं है। इसका अच्छा या बुरा था लोगों के प्रतिकर्म पर डिपेंड करता है। हम किसान की बात करें, किसान एजिटेशन कर रहे हैं, गन्ने की पेमेंट हो नहीं रही, किसान खुद कृषि कर रहा है। मुलाजमों की बात करें, वो डीए की किस्तें उड़ीक रहा है और पे कमीशन की रिपोर्ट उड़ीक रहा है। कोई बार जो गरीब लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको विंटर की यूनिफॉर्म नहीं मिली। और कोई भी वर्ग जो स्कीमें थी अच्छी अच्छी, जो वेलफेयर की स्कीमें थी, सारी बंद कर दी। और कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है, चाहे वो गरीब लोग है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कोई भी व्यापारी है, सभी लोग इससे नाखुश हैं। सिवाय इसमें शेर अच्छे लिखे गए हैं, अलामा इकबाल के शेर अच्छे हैं, बाकी सारा खाली बजट है। जैसे सोम प्रकाश जी, आप ऑफिसर रिटायर हुए हो पंजाब में, तो आप हमें ये बताइए, जैसे कल न्यूज़पेपर में आई कैग की रिपोर्ट बजट के बाद आई है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, क्या की रिपोर्ट कब भी आ जाए तो उसे देखना पड़ेगा। मैं पढ़ी नहीं, अभी पढ़ के देखूंगा, उसके बाद मैं प्रतिक्रिया दे सकूंगा। अच्छा, हमें ये बताइए कि मेन मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के क्या थे इस स्तर के दौरान, इसके बारे में? देखो, मुद्दे तो लोगों के होते हैं। कोई भी पार्टी है, अपोजिशन का काम है जो सरकार की फेलियर है उसके प्रति ध्यान दिलाएं। जो जो काम अच्छी स्कीम शुरू की थी, चाहे जिम बांटने का है, साइकिल बांटने का स्कीम है, या पेंशन मिलनी है वो बंद हो गई, जो शगन स्कीम है वो बंद हो गई, सारी स्कीम जो अच्छी सरकार ने शुरू की थी पहली सरकार ने, वो बंद हो गई। और डेवलपमेंट तो वर्क तो सभी शहरों में रुके हुए हैं, और सबसे ज़्यादा करप्शन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हुई है। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में आपसे बात करनी है। जिस तरह से अभी मजीठिया साहब ने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया है कि जो अमृतसर में शहीद हुए थे जोड़ा फाटक के अंदर, आपने उनके लिए जिनके एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयानक एक्सीडेंट था, उसमें नौकरियां नहीं, तब सिद्धू साहब ने कहा नौकरी नहीं, अभी नहीं नौकरी नहीं, इसके बारे में आपके आगे कोई बात? उस वक्त सरकार ने वादा किया था कि हर एक परिवार को हम एक नौकरी देंगे, गवर्नमेंट नौकरी देंगे, एक भी किसी को नौकरी नहीं दी। और अब तो सरकार ने उनका इलाज करना भी बंद कर दिया है। लोग अब बाहर आए बैठे हैं, किसी का इलाज नहीं हो रहा है, नौकरी किसी को मिली नहीं है, कंपनसेशन किसी को मिला नहीं है, लोग सरकार से निराश हैं। तो आप हमें ये बताइए, इस विधानसभा स्तर को आप 10 में से कितने अंक दोगे? सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत तकलीफ होती है जब इतने लेवल के ही घटिया बात मंत्री करते हैं, जिसको तस्कर बोलते हैं, बार बार मंत्री उठकर बोलते हैं। पहले कभी देखा नहीं है सर, इसी बार देखा है। ऐसी लो लेवल की बातें मंत्री लेवल पे करें, उनको तो कुछ सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में सोम प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और इस वक्त फवारा से एमएलए हैं, हमारे बीच में थे। डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा अपने कैमरामैन श्री मनदीप के साथ।